नमस्कार दोस्तों, मैं विजय टुडू और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम लोग एक सब्जी बनाने का जो तरीका है वो सीखेंगे और जो मुख्य सब्जी बनेगा वो पानी में मिलने वाले एक खास प्रकार का जो घोंघे है उसका सब्जी बनेगा, जिसको यहाँ हमारा संथाली भाषा में इसको रोकुच कहा जाता है, जबकि बंगाली भाषा में इसको जो है गेढ़ा कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी गेढ़े का जो सब्जी बनाएंगे और देखेंगे कि ये सब्जी किस प्रकार बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, किन किन मसालों का इसमें उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे तालाब की ओर, जहाँ से हम लोग ये घोंघे जो है इनको हम लोग निकालेंगे और इकट्ठा करके हम लोग घर लेके जाएंगे और वहाँ उसको साफ करेंगे। उसके बाद कैसे सब्जी बनाया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो चलिए उस तालाब की ओर, तो चलिए हम लोग तालाब की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा नाला है और नाला के उस पर जो है हम लोग का तालाब है छोटा सा, जिसमें हम लोग मछलियाँ भी पाल के रखे हैं और इसमें जो है कई तरह के जो घोंघे हैं वो भी हम लोग को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इन्हें जो है निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो घोंघे हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है टोकरी में। इस प्रकार के पाए जाते हैं ये तालाब में और ये तालाब नालों नदियों में भी पाया जाता है। आप देख सक रहे हैं ये छोटा सा हम लोग का तालाब है और इसी तालाब में से जो घोंघे हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं। इस प्रकार के घोंघे जो है, चलिए मैं आपको थोड़ा सामने जाके दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये घोंघे हैं। तो हमने काफ़ी घोंघे एकत्र कर चुके हैं, अब इन्हें हम लोग घर लेके जाएंगे और घर ले जाके इनको हम लोग साफ करेंगे और इसका जो ऊपरी भाग है उसको कैसे निकाला जाता है वो निकालेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए अब जो है घर की ओर। थाली में पानी रखा गया है और उसको यहाँ से जो पत्थर है उसे मार के उसको फोड़ा जा रहा है और फोड़ के उसको यहाँ पे रखा जा रहा है। और तो इस प्रकार ये खुल जाएगा आसानी से और इसका खुलने के बाद एक छोटा सा प्लेट है, तो प्लेट में इसको अच्छा जो घोंघे हैं साफ घोंघे का जो मांस है उसको यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से साफ करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी घोंघे हैं उनको हम लोग इस पत्थर के चोट से इन्हें जिसका ऊपरी भाग जो है ऊपरी कवच जो घोंघे का है उसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम लोग प्लेट में रख लेंगे और ये सब करने के बाद ही हम लोग जो इसको पूरी तरह से साफ करेंगे और साफ करके हम लोग पहला प्लेट में रखेंगे छोटा प्लेट में। तो चलिए
तो हमने जो साफ करने का जो काम था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप देख सक रहे हैं यहाँ प्लेट में हम लोग रखे हैं। अब इन्हें हम लोग लेके जाएंगे किचन की ओर और जहाँ हम लोग इसका सब्जी बनाएंगे। तो चलिए इसका सब्जी कैसे बनता है वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मसाला कूटेंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग का पत्थर है, मसाला कूटने का जो पत्थर है वो हम लोग साफ कर लिए हैं पानी से। और यहाँ पे एक प्लेट में हम लोग सरसों लिए हैं और ये सब्जी के साथ इस सरसों को मिलाना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसको पीसेंगे कूट के इस पत्थर में। और आज हम लोग जो मसाला यूज़ करेंगे वो मिक्स मसाला यूज़ करेंगे पाउडर वाला, तो इसलिए मसाला इसमें हम लोग नहीं कूटेंगे। तो चलिए ये सरसों जो है हम लोग पीस लेते हैं हम लोग। तो सरसों को यहाँ पे जो पत्थर है उसमें पीसा जा रहा है। इसमें सरसों है, थोड़ा सा मिर्च है, दो चार मिर्च है और कुछ कांच के टुकड़े हैं और इनको जो अभी मिक्स किया जा रहा है। और ये जो है हो गया है, जो हम लोग का सरसों था, सरसों का दाना था, सफ़ेद सरसों का, वो कंप्लीट हो चुका है इसका पेस्ट बन के। अब जो है हम लोग का आगे का जो स्टेप है वो हम लोग कढ़ाई गरम करेंगे और हम लोग जो सब्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो अब हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग किचन में आ चुके हैं और हम लोग ने यहाँ पे जो कढ़ाई है वो गरम कर चुके हैं और अब इसमें थोड़ा सा तेल डाला जा रहा है। तो सबसे पहले सरसों का पेस्ट हम लोग इसमें डालेंगे। अब उसके बाद इसको जो हम लोग का गेहूं है उसको हम लोग इसमें डालेंगे। डाल दिया गया है और धीरे धीरे आग में धीरे धीरे इसको चलाना है। तो इसको चढ़ा जा चुका है और इसको थोड़ा रहने दे रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं ताकि जल्दी से इसका जो तरकारी हम लोग का है उबल के रेडी हो सके। और यहाँ पे आपको नीचे दिखा दो, यहाँ थोड़ा सा जो टमाटर है उसको काट के दिया जा रहा है ताकि इसका जो स्वादिष्ट है वो और बढ़ सके। इसलिए इसका जो प्याज है, प्याज बोल रहे हैं सॉरी, टमाटर है उसको यहाँ पे डाला जा रहा है। अभी तक हम लोग ने जो मसाला है वो नहीं दिया है और मसाला जो हम लोग ये पक जाएगा उसके बाद देंगे मसाला। तो अभी नमक दिया जा रहा है स्वाद अनुसार, तो नमक दे दिए हैं और नमक दे के अभी उसको फिर चलाया जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग ढक देंगे। तो अभी मसाले की बारी है, मसाला जो हम लोग का है मसाला मिक्स मसाला है और
एक कटोरी में हम लोग पानी लिए हैं, थोड़ा सा आधा कप पानी लिए हैं और उसमें मसाला हम डाले हैं, आपको मिक्स किया जाएगा। तो अभी मसाला दिया जा रहा है, मसाला दिया जा चुका है। तो इसको जो है 10 से 15 मिनट, तो अभी जो है 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक के रखेंगे और उसके बाद ये जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको जो हम लोग ढक दिए और इंतज़ार करेंगे 10 से 15 मिनट तक का। तो ये जो है पूरी तरीके से पकने जा रहा है और शायद मेरे ख्याल से ये पक चुका है और सब्जी हम लोग का तैयार हो चुका है और खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही है इसका, मुँह में पानी आ रहा है मेरा। तो इसको हम लोग उतारेंगे, आप देख सक रहे हैं ये कितना स्वादिष्ट जो तरकारी है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी ये आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो के ऊपर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।